स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी लेसन सिक्स की स्टोरी द फेस ऑन द वॉल को पुनः शुरू करते हैं पार्ट टू में। अभी तक हमने देखा कि जो कहानीकार है, जो सब लोगों को कहानी सुना रहा है, वो उस आदमी का पीछा कर रहा है जिसका चेहरा उसने दीवार पर देखा था। वो आदमी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में एक बड़े से हॉल में, छोटे छोटे कमरों में, कैबिन्स में घुस गया था और कहानीकार बाहर रह गया था। आइए अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अगेन आई वॉज फॉइल्ड, मैं फिर से विफल हो गया। फॉइल्ड माने विफल होना, असफल होना। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, लेकिन मैंने भी उस पार जाने का निर्णय कर ही लिया। यानी कि जो कहानीकार है वो पक्के मन से है और वो जानना चाहता है कि आगे ये व्यक्ति कौन है उसके बारे में। तो फिर उसने भी आगे उस पार जाने का निर्णय कर लिया। फीलिंग सर्टेन, यह निश्चित मानकर, दैट व्हेन द वॉइस हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल ऑन द डेक। ये मानकर कि वॉइस मान होती समुद्र यात्रा, कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी, व्हेन द वॉइस हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज, तो वह महिलाओं को छोड़ करके कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल ऑन द डेक। वो जो जहाज की छत होती है जिसको डेक बोलते हैं, उस पर स्ट्रॉल चहलकदमी करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर जरूर आएगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर टू ब्लोन। अब जहाज पर तो चढ़ गया था कहानीकार, परंतु वो इतना अमीर नहीं था, तो उसने कहा मेरे पास केवल ब्लोन शहर जो था, उस ब्लोन तक का किराया था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, किंतु अब मुझे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती थी, शेक नहीं कर सकती थी। आगे बढ़ूंगा ही मैं। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट द सैलून डोर एंड वेटेड। और फिर मैंने अपनी पोजिशन ले ली, यानी कि जो बड़ा हॉल था सैलून, उसके दरवाजे के अपोजिट, उसके सामने वो खड़ा हो गया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा उस व्यक्ति की। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन्ड, आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। And he came out, और वो बाहर आया। But with the little girl, परंतु उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। My heart beat so fast, मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था, that it seemed to shake the boat more than the propeller। मानो तो मेरा हृदय की जो धड़कन है वो जहाज को ज़्यादा हिला रही थी, कंपेरेटिवली जहाज को जो धकेलने वाला प्रॉपलर होता है। प्रॉपलर माने कि जो तुमने देखा हो जहाज में अंदर पंख लगे होते हैं पीछे की साइड में, बहुत बड़ी पंखड़ियाँ जो पानी के अंदर रहती हैं, जो घूमती हैं, जो जहाज को आगे बढ़ाती हैं, वही जहाज को आगे बढ़ाती हैं। तो वो कहता है कि मेरे दिल की धड़कन ही इतनी तेज दौड़ रही थी, मानो तो मुझे लगा कि मेरी धड़कनें उस जहाज को आगे बढ़ा रही हैं, न कि प्रॉपलर की पंखड़ियाँ। My heart beat so fast that it seemed to shake the boat more than the propeller. There was no mistaking the face. चेहरा पहचानने में कोई गलती नहीं थी। Every line was the same. उस व्यक्ति के चेहरे पर जो भी लाइन थी, वो एक एक लाइन वही थी जैसी मैंने उस दीवार के चेहरे पर देखी थी। He glanced at me. उस व्यक्ति ने मेरी तरफ देखा। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द कंपेनियन वे फॉर द अपर डेक। और फिर वो सरसरी निगाह से देख करके डेक की सीढ़ियां जो ऊपर को जाती थी उनकी तरफ वो बढ़ गया। कंपेनियन वे माने डेक की जो सीढ़ियां होती हैं। इट वॉज नाउ और नेवर, आई फेल्ट, मुझे लगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी ही पूछ सकता हूँ, नहीं तो फिर कभी मौका मिला या न मिला। एक्सक्यूज मी, आई स्टैमर्ड, संपर्क उससे स्थापित करने के लिए, उससे बात करने के लिए मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड।
क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, आप अपना कार्ड देंगे? कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। आई हैव अ वेरी इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विद यू। आपसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, इम्पोर्टेंट रीज़न है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। ही सीम टू बी एस्टोनिस्ट। वह आश्चर्यचकित हो गया। एस्टोनिस्ट माने आश्चर्य में पड़े ना, ऐसा लगा। एज इंडीड वेल ही माइट, जैसा कि वो हो सकता था, इतना सुन के कोई आश्चर्य में पड़ ही जाता है। बट ही कंप्लाइड, परंतु उसने मेरी बात मान ली। विद एक्सट्रीम डिलीवरेशन, डिलीवरेशन अत्यंत खूब सोच विचार करके, डिलीवरेशन माने विचार विमर्श, खूब सोच साच के उसने मेरी बात मान ली। ही टुक आउट हिज केस, उसने अपना पर्स निकाला बाहर। एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, और अपना कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। एंड हरीड ऑन विद द लिटिल गर्ल, और उस छोटी बच्ची के साथ में आगे चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ ल्यूनेटिक। अब ये तो स्पष्ट था कि वो मुझे ल्यूनेटिक मानता था, पागल समझता था, पागल सोचा होगा उसने मुझे। एंड कंसिडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और मेरा मन रखने के लिए, मन बहलाने के लिए उसने ऐसा किया, बेहतर समझा होगा। क्लचिंग द कार्ड आई हरी टू ए डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट। क्लचिंग द कार्ड, कार्ड को मुट्ठी में जकड़ करके, आई हरी, मैंने जल्दी से एक डेजर्टेड कॉर्नर, एक वीरान कोने में, जहाज के वीरान कोने में गया मैं। एंड रीड इट, और उस कार्ड को पढ़ने लगा। माई आईज डिम्ड, मेरी आंखें धुंधली हो गई। माई हेड स्वाम, मेरा सिर चकराने लगा। फॉर ऑन इट वर द बर्ड्स, क्योंकि उस पर जो शब्द थे, क्या थे? मिस्टर ऑरमंड वॉल, उस आईडी कार्ड पे लिखा हुआ था एड्रेस में नाम मिस्टर ऑरमंड वॉल विद एन एड्रेस एट पिट्सबर्ग यूएसए, उस पर पता लिखा हुआ था, पिट्सबर्ग शहर का नाम है यूएसए, अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर का एड्रेस था, और उसका नाम था व्यक्ति का मिस्टर ऑरमंड वॉल। ये देख करके वो चकरा गया। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बलोन, मुझे बलोन पहुंचने के पहले की कोई भी घटनाएं याद नहीं है। बलोन वो शहर जहां तक उसको जाना था, जिसके वहां तक जाने के उसके पास पैसे थे। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम वीक्स, वहां कई हफ्तों तक मैं पड़ा रहा बेहोश, मतलब ऐसी हालत में। एंड ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और केवल एक महीने पहले ही वापस आया हूँ। ही वॉज साइलेंट, अब वो इतनी कहानी सुना करके कहानीकार चुप हो गया। तो हम जो सब सुन रहे थे उसकी कहानियाँ, चार पांच लोग बैठे थे, वी लुक्ड एट हिम, हमने उसकी तरफ देखा। एंड एट वन एनदर, और फिर एक दूसरे की तरफ देखा। एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे कि वो आगे बोलेगा। ऑल द अदर टॉक ऑफ द इवनिंग वॉज नथिंग कंपेयर्ड विद द स्टोरी ऑफ द लिटिल पेल मैन। हम उस शाम को जो सारी बातचीत हमने की, उसकी तुलना में वो जो छोटा पीले चेहरे वाला आदमी था, उसकी कहानी बहुत अजीब थी। यानी हमारी कहानियाँ उसके आगे कुछ भी नहीं थी। आई वेंट बैक, उसने कहना शुरू किया द्वारा कहानी, बोला मैं वापस आ गया बलून से। ही रिज्यूम्ड आफ्टर ए मोमेंट और सो, एक दो मिनट के बाद उसने शुरू किया, मैं वापस आ गया टू ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट, जो उसका घर था जहाँ, ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट में। एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन इन हूज लाइफ आई हैड सो मिस्टीरियसली इंटरविंड। और फिर मैंने वहाँ पहुँच करके उस अमेरिकी जो व्यक्ति था, जिसके जीवन में, लाइफ में मैं इतने मिस्टीरियसली, रहस्यमय ढंग से हस्तक्षेप कर रहा था, इंटरविंड माने हस्तक्षेप करना, उसके बारे में जानना शुरू किया मैंने। आई रोट टू पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग शहर था, मैंने वहाँ पत्र भेजे। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर्स, मैंने जो अखबारों के संपादक होते हैं, अमेरिकी संपादक, उनको पत्र लिखे। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी ऑफ अमेरिकन्स इन लंदन, और मैंने लंदन में अमेरिकियों की जो सोसाइटीज़ होती हैं उनसे परिचय बढ़ाना शुरू किया। कल्टिवेटेड माने परिचय बढ़ाना।
But all that I could find out was that he was a millionaire with English parents who had resided in London. परंतु इस सब के बाद में जो पता लगा सका वो इतना था, he was a millionaire, कि वह एक करोड़पति था और जिसके माता पिता अंग्रेज थे, who had resided in London, जो लंदन में रहते थे. But where, परंतु कहाँ रहते थे लंदन में, to that question I received no answer, इस प्रश्न का कोई उत्तर मुझे नहीं मिला. And so the time went on until yesterday morning, और समय बीतता गया कल सुबह तक, yesterday morning, कल सुबह तक ऐसे ही टाइम बीतता गया. I had gone to bed more than usually tired and slept till late. कल सुबह बोलता है वो कि मैं कल सामान्य से अधिक थका हुआ हालत में सोने गया और सुबह देर तक सोता रहा, काफ़ी देर तक, यानी कि 8-9 बजे तक मान के चलते हैं अपन, सोता रहा वो कहता है लेट. When I woke the sun was streaming into the room. और जब मैं उठा तो सूरज कमरे में झांक रहा था, यानी सूरज आ गया था. As I always do, और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, I looked at once at the wall on which the face is to be seen. मैंने तुरंत दीवार की तरफ देखा जिस पर कि चेहरा दिखता था. I rubbed my eyes, मैंने अपनी आँखें मली, रगड़ी. And spring up in alarm, और एकदम खतरे के संकेत के साथ में मैं स्प्रिंग अप, उछल गया, कूद गया. ऐसा क्या हुआ? It was only faintly visual, क्योंकि वो चेहरा बहुत धुंधला दिख रहा था. Last night it had been as clear as ever, पिछली रात को ही तो देखा था उसने. वो कहता है पिछली रात को ही वो हमेशा की तरह वैसा ही स्पष्ट था जैसा दिखता था, धुंधला नहीं था. Almost I could hear it speak and now it was but a ghost of itself, और मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे बोलता हुआ सुन सकता था, ऐसा था वो पिछली रात को. I could hear it speak and now, और अब, it was but a ghost of itself, अब ये बिल्कुल भूत जैसा दिख रहा था, यानी धुंधला हो गया था. I got up dazed and dejected, मैं स्तब्धित होकर के dazed उठा, थोड़ा dejected, हताश भी था. And went out, बाहर आ गया घर से. The early editions of the newspapers were already out, जो सुबह अखबारों के एडिशन आते हैं वो पहले ही आ चुके थे. And on the contents bill, और contents bill माने जो अखबारों की विषय वस्तु होती है, जो उसमें लिखी होती है, वो मैंने देखी. I saw American millionaires motor accidents, तो मैंने खबर देखी अमेरिका के करोड़पति की मोटर एक्सीडेंट में, का मोटर एक्सीडेंट ये खबर थी, अमेरिकी करोड़पति का कार एक्सीडेंट. यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट, उसने इन लोगों से भी पूछा जो कहानी सुन रहे थे, बोलने वाले ने, कि तुम सबने भी उसे देखा होगा अखबार में. आई बॉट इट, मैंने उस अखबार को खरीदा. And read it. Once what I knew, I should read. और मुझे जो पढ़ना चाहिए था मैंने वो पढ़ा उसमें से, उस खबर को. मिस्टर ऑर्मंड वॉल द पिट्सबर्ग मिलियनायर, उसमें खबर थी कि मिस्टर ऑर्मंड वॉल जो कि पिट्सबर्ग के करोड़पति थे, एंड पार्टी और उनके साथ के जो लोग थे पार्टी, मोटरिंग फ्रॉम स्पेजियो टू पिज़ा, वो सब मिल करके स्पेजियो से पिज़ा शहर की ओर आ रहे थे. Had come into collision with a wagon, और उनकी टक्कर ट्रक से हो गई थी, उनकी गाड़ियाँ ट्रक से टकरा गई थी कार. And were overturned, और पलट गई थी गाड़ियाँ कार उनकी. Mr. Wall's condition was critical, Mr. Wall की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है, अस्पताल में चिंताजनक है. I went back to my room still dazed, मैं फिर से स्तब्धित सा, अचंभित सा अपने कमरे में गया.
डेज्ड माने स्तब्धित अचंभित एंड सैट ऑन द बेड लुकिंग विद अनसीइंग आईज एट द फेस ऑन द वॉल। और बिस्तर पर बैठा और दीवार के चेहरे को देखता रहा। एंड इवन एज आई लुक्ड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड। और देखते देखते अचानक से सडनली ये चेहरा पूरी तरीके से डिसअपीयर्ड गायब हो गया। यानी जैसे उसने खबर पढ़ी, खबर एक्सीडेंट की थी, खबर के बाद में वो कमरे में आया, उसने देखा, उस चेहरे की तरफ देखता रहा, परंतु उसके देखते देखते वो चेहरा गायब हो गया। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल हैड सकम्ड टू हिज इंजरीज एट वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट। बाद में मुझे पता लगा कि मिस्टर वॉल ने अपनी चोटों से, इंजरीज से सकम माने हार मान ली थी। वॉट आई टेक टू बी दैट वेरी मोमेंट। और मैं मानता हूँ कि उसी समय उसे लगा कि जब चेहरा उसके सामने देखते देखते गायब हो रहा था, तभी उन्होंने हार मान ली होगी और वो मर गए होंगे। अगेन ही वॉज साइलेंट। अब कहानीकार फिर से चुप हो गया था कहानी सुनाते सुनाते। मोस्ट रिमार्केबल वी सैड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ एंड वी मीन्ट इट टू। हम सब ने कहा अत्यधिक असाधारण। कहानी जो तुमने सुनाई है वो तो मोस्ट रिमार्केबल है, अत्यधिक असाधारण है। हमने कहा मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अत्यधिक विलक्षण है, और इसी प्रकार की एंड सो फोर्थ बातें हमने की। एंड वी मीन्ट इट टू, और फिर इसी प्रकार की बातें, अनेक टिप्पणी, और हम वास्तव में ऐसा मानते थे इसलिए हमने ऐसी बातें की। यस सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा हाँ। देयर आर थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स अबाउट माई स्टोरी। उसने कहा अजनबी ने कि मेरी कहानी में तीन विलक्षण बातें, तीन अत्यधिक असाधारण चीजें हैं। वन इज दैट इट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन इन ए लॉजिंग हाउस इन लंदन नॉट ओनली फॉर्म द फीचर्स ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन विद हिज एग्जिस्टेंस। उसने कहा पहली तो ये ऐसा संभव हो सकता है, इट शुड बी पॉसिबल, कि लंदन के एक लॉजिंग हाउस, एक घर था लंदन का जिसकी दीवार पर धब्बों का, न केवल अमेरिका के धब्बों के कारण, न केवल किसी अमेरिका के किसी व्यक्ति की चेहरा प्रदर्शित होने लगा, बल्कि उसके जीवन के साथ उसका संबंध भी दिखने लगा। डिस्कलरेशन इन ए लॉजिंग हाउस इन लंदन नॉट ओनली फॉर्म द फीचर्स ऑफ ए जेंटलमैन इन अमेरिका, अमेरिका के जेंटलमैन का चेहरा ही नहीं दिखा केवल, बट टू हैव दिस इंटीमेट एसोसिएशन, बल्कि एक प्रगाढ़ संबंध भी दिखा विथ हिज एग्जिस्टेंस, उसके जीवन से। इट विल टेक साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट। कहानीकार बोला कि इस साइंस को, अभी विज्ञान को ये स्पष्ट करने में कुछ समय लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये पहली बात थी असाधारण। दूसरी बात, अनदर इज दैट, दूसरी बात ये है दैट जेंटलमैन्स नेम शुड बियर एनी रिलेशन टू द स्पॉट ऑन विच हिज फीचर्स वर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड बाय सम मिस्टीरियस एजेंसी, इज इट नॉट सो। दूसरी बात यह है कि उसका नाम, उस व्यक्ति का नाम उस स्थान से संबंध होना, क्योंकि उस जहां वो रहता था उस गली का नाम क्या था, ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट, और इस व्यक्ति का नाम था मिस्टर ऑरमोंड वॉल, यानी ऑरमोंड नाम कॉमन था दोनों में, तो उसके नाम का उस स्थान से संबंध होना जहाँ की उसे ये फीचर्स उस व्यक्ति के चेहरे के दिखे थे, और ऐसा लगा सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड बाई सम मिस्टीरियस एजेंसी, मानो तो वो चेहरा किसी मिस्टीरियस एजेंसी यानी कोई भगवान या कोई भूत प्रेत या कोई ना कोई उस चेहरे के पीछे था, कोई उसको बना रहा था उस चेहरे को, ऐसा ये एक असाधारण बात थी। इज इट नॉट सो, क्या ऐसा नहीं है। उसने ये बात कही कि दूसरी बात यह है। तो पहली बात थी कि उस व्यक्ति का चेहरा दीवार पर, और दूसरा उस व्यक्ति का नाम, ये दोनों रिलेटेड थे।
वी एग्रीड विद हिम, हम उससे सहमत हो गए. एंड अवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन सेट इन अगेन विद इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट. और हमारी जो सुपर नेचुरल बातों पर हम जो बातें कर रहे थे शुरुआत में, वो मूल चर्चा हमारी और भी अधिक एक्स्ट्रा इंक्रीज्ड एक्साइटमेंट के साथ में फिर से शुरू हो गई, यानी हम फिर से बातें करने लगे भूत प्रेत की. ड्यूरिंग विच द नैरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज, तभी जो नैरेटर था कहानीकार, जो जिसने ये अजीब तरह का अनुभव सुनाया था, वो उठा एंड सेड गुड नाइट, और गुड नाइट बोला. जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, जब वो दरवाजे पर था, वन ऑफ द कंपनी, तो हम दोस्तों में से एक व्यक्ति, आई रिजॉइस, मुझे खुशी है सोच करके कि टू थिंक, सोच करके इट वॉज स्पेंटन, कि वो व्यक्ति जिसने याद दिलाया वो स्पेंटन था, रिकॉल्ड अस टू द कॉज ऑफ अवर एक्साइटेड डिबेट बाई आस्किंग हिम. उसने हमारा ध्यान उस उत्तेजित जो विवाद बाद विवाद हुआ था कि कारण पर दिलाया, और इससे पहले कि वो व्यक्ति चला जाता, बिफोर ही लेफ्ट, वो कहानीकार चला जाता, व्हाट ही कंसिडर्ड द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन कनेक्शन विद हिज डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो उसने पूछा, स्पेंटन ने उस व्यक्ति से, कि उसकी अत्यधिक रोचक कहानी जो थी उसके संबंध में उसके अनुसार वो तीसरी विलक्षण बात क्या थी. तीन बातें बोली थी उसने, तो पूछा तीन बातें. यू सेड थ्री थिंग्स यू नो, स्पेंटन रिमाइंडेड हिम, स्पेंटन ने उसको याद दिलाया, तुमने कहा था कि तीन बातें, तो तीसरी बात क्या थी. ओ द थर्ड थिंग, ओ तीसरी बात, ही सेड, उस कहानीकार ने कहा, एज ही ओपन द डोर, दरवाजा उसने खोलते हुए कहा, आई वॉज फॉरगेटिंग दैट, हाँ मैं उसे भूल रहा था उस बात को. The third extraordinary thing about the story is that I made it up. तीसरी विलक्षण बात ये थी कि मैंने उसे, उस कहानी को अभी आधा घंटे पहले ही रचा था. About half an hour ago. Good night again. गुड नाइट कह के वो चला गया. अब आप समझ सकते हैं कि उसने ये पूरी कहानी जो वो कह रहा था कि बिल्कुल सच्ची है, उसके साथ घटित हुई है, वो पूरी कहानी झूठी थी जो उसने आधा घंटे पहले ही बनाई थी और इन लोगों को सुनाई थी. इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही थी जब उसने कहा कि मैंने इसे अभी अभी बनाया था, क्योंकि शुरुआत तो उसने सच्ची कहानी कह करके बोली थी. After coming to our senses, we looked round for Ratsan Vete, who had brought the snake to bite our bosoms, but he too had disappeared. जब हम थोड़ी देर बाद होश में आए, तो होश में आने के बाद, we looked round for Ratsan Vete, हम चारों तरफ उस Ratsan Vete को खोजा हमने, who had brought this snake, जो इस सांप को लाया था, to bite our bosoms, हमारी छाती पर काटने के लिए. इस व्यक्ति यानी जो वो कहानीकार था उसको सांप बोला है. तो रटसन बेटे जो उसको सांप को लाया था, जिसने हमारी छाती पर ऐसे काट लिया था, यानी हमको ऐसी सच्ची कह करके झूठी कहानी सुना दी थी, परंतु वो रटसन बेटे जो दोस्त था हमारा, बट ही टू हैड डिसअपीयर्ड, वो भी गायब हो गया था यानी के. तो स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी. इसका एंड भी सरप्राइजिंग है, कहानी भी सरप्राइजिंग है. ईवी लुकास इसके राइटर हैं. ईवी लुकास ऐसी ही कहानियां लिखते हैं. इससे पहले भी सिलेबस में 12th में एक कहानी थी, वो भी इसी तरह की थी. तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी. आपका लेसन खत्म हो चुका है. अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको सॉल्व कराएंगे. इससे पहले, आपने यदि हमारा चैनल MP इंग्लिश क्लासेज सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी से मिलें. सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिंपली केवल ये सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है आपके वीडियो के नीचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर, उसको टच करना है. उसके साथ में ये बेल आइकॉन दिख रहा है, इस पर आप टच करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे. उसमें ऑप्शन जिस पर ऑल है, ऑल लिखा हुआ है, ऑल पर आप टच करेंगे तो मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो ग्रामर लेसन वगैरह के आपको तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएंगे. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करें. थैंक यू.